AAP dissenters Prashant Bhushan and Admiral Ramdas have been ousted from the party's National Disciplinary Committee. Prashant Bhushan and Yogendra Yadav were removed from Aam Aadmi Party's National Executive following the controversial National Council meeting. पहला निर्णय है कि एक नई लोकपाल समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें तीन मेंबर्स होंगे. पहले हैं श्री एन दिलीप कुमार, जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं. दूसरे हैं श्री राकेश सिन्हा जी, जो कि एक फॉर्मर डीआईजी रह चुके हैं और दिल्ली में ही रहते हैं. और तीसरे हैं श्री डॉक्टर एसपी वर्मा जी, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं. हमारी तीनों से बात हो गई है, उन्होंने ये कार्यभार संभालने के लिए अपनी सहमति दे दी है और अब शीघ्र ही हम उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा आज से. हमने आज एक नई डिसिप्लिनरी कमेटी का भी गठन किया है, नेशनल डिसिप्लिनरी कमेटी. उसमें तीन लोग होंगे, जिसके चेयरमैन होंगे श्री दिनेश वाघेला जी, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं. दूसरे सदस्य होंगे आशीष खेतान जी और तीसरा सदस्य मैं खुद हूं, पंकज गुप्ता. साथ ही जैसा कि कल राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में एक हमने अहम निर्णय लिया था कि 22 अप्रैल को, आने वाली 22 अप्रैल को हम संसद का घेराव करेंगे लैंड एक्विजिशन बिल के ऊपर, और उस चीज को अंजाम देने के लिए एक 6 सदस्य समिति का गठन किया गया है. पावर्ड बाय NNIS.